हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू बाथम क्लास। और इसमें हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले दो वीडियो में मैंने पहले वीडियो में इसके बेसिक फार्मूले डिस्कस किए, दूसरे वीडियो में मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स बताए जिसमें मैंने ये बताया कि किस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो अदर रेशियोज़ होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक अदर रेशियोज़, उनको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में मैंने बताया। और मैंने दो फार्मूले आपको बताए जो कि बहुत ही इम्पोर्ट तीन फार्मूले जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। वो है, एक फार्मूला है कि 1 + tan² θ इज इक्वल टू sec² θ, 1 + cot² θ इज इक्वल टू cosec² θ एंड sin² θ cos² θ इक्वल टू 1। ये तीन फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इन फार्मूलों की मदद से आपको सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। ये जो तीन क्वेश्चन देखिए, इनको शुरुआत करने से पहले आपको ये फार्मूले एक तो याद रखने हैं और दूसरा आपको स्टैंडर्ड एंगल्स के मान याद रखने हैं। स्टैंडर्ड एंगल कौन से, मैंने पहले भी आपको बताया स्टैंडर्ड एंगल जैसे ठीक 0, 0, 30, 45, 60 एंड 90, ये वो एंगल्स हैं, इनको भी आपको याद रखना है। इनकी वैल्यूज़ क्या होती है, जैसे 1045 का मान 1 होता है, 1030 का मान 1/√3 होता है, और cot 30 का मान √3 होता है, 1045 का मान 1 होता है, sin 0 का मान 0 होता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये याद होगा तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आइए इन क्वेश्चंस को देखें। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कोई भी एंगल्स आपको पता ही नहीं है कि इनके मान क्या होंगे, जैसे 73, 17, 28, 62, 38। आपको 30 का मान तो पता है क्योंकि वो स्टैंडर्ड में आता है। इसमें अगर हम देखें तो ये 1045 का मान आपको पता है क्योंकि वो स्टैंडर्ड में आता है। दिक्कत कहाँ है, दिक्कत है इस बात पे कि ये जो एंगल्स आपको दिए गए हैं 1045, 1075, इनके मान तो हम लिख सकते हैं आसानी, लेकिन इनके लिए हम क्या करें, तो इनके लिए इन फार्मूलों को हम यूज़ करते हैं। अब आप गौर से देखिए कि आप हमेशा ये देखिए कि कौन से दो एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है। तो आप देखिए 63 और 27 का सम 90, तो किसी एक को हम चेंज करेंगे। उसी तरह से 17 और 73 है तो किसी एक को हम चेंज करेंगे। 28 sin² 60 ये सब दे रखा, तो इसमें देखिए 28 और 62 का सम 90 हो रहा है, इसलिए किसी एक को चेंज करें। इन दोनों में देखें 8 पर, इन दोनों में से कोई एक चेंज होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम 90। तो चेंज पहले तो आप ये देखिए कि किन दो एंगल्स का सम 90 हो रहा है, उनमें से किसी एक को हम चेंज करेंगे। चेंज करने का क्या मतलब है, आइए इस क्वेश्चन को हल करके समझते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो मैं यहां आपको बताने जा रहा हूं, आइए देखिए। फर्स्ट, तो देखिए फर्स्ट का ये सॉल्यूशन, तो साइन यहां पे लिखा है साइन स्क्वायर, हमने 63 की जगह लिख दिया 90 - 27 और ये हो गया साइन 27 अपॉन cos² 17 एंड cos² 73। ये हमने यहां पर लिखा sin² 90 - 7 + sin² 27 cos² 17 + cos². अब यहाँ पर हमने इसको क्यों चेंज किया, क्योंकि इन दोनों में इस किसी एक को चेंज। अब यहाँ पर हम 73 को चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं, इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं 90 - 7, क्योंकि 90 में से 17 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 73। अब आप फार्मूला जानते हैं sin 90 - θ cos θ, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉस, लेकिन आप देखिए यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। नीचे आइए cos² 17 लिखा है, cos 90 - θ ये क्या हो जाएगा sin θ और ये इसका स्क्वायर। क्यों स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है, और cos 90 - θ देखिए साइन है, तो यहाँ लिख देंगे आप sin² 17। अब ऊपर आप देख सकते हैं cos² θ + sin² θ क्या बनता है 1। नीचे यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों, ऊपर 1 फिर नीचे वो भी देखिए एक फॉर्मूला है 1, 1 + 1 gives 1। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आइए इस क्वेश्चंस को देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में गौर से देखें
तो इन दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर, इस 28 की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस 62, और यहाँ पर साइन स्क्वायर 62 ही लिखा रहने देंगे। उसके बाद ये जो 38 52, इसमें 38 को चेंज कर देते हैं, तो हमने यहाँ लिखा 90 माइनस 52, और जो शेष चीज़ें लिखी हैं एज इट इज़ इनको लिख देते हैं। और आप 30 की वैल्यू जानते हैं, कॉस 30 का मान होता है 1/√3, तो sec 30 का मान हो जाएगा cos 30 का मान होता है √3/2, तो 2/√3, और 2/√3 का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। अब ये बच्चों हमने कहाँ से किया, एक्चुअली हमें याद है तो हमने वहां से किया, आप भी याद कर लेंगे तो इसे आसानी से कर। साइन स्क्वायर 90 माइनस 62, साइन 90 थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने 62 लिखा, और यहाँ आ जाएगा ये साइन स्क्वायर 62 प्लस 1090 थीटा दैट इज कॉट और कॉट स्क्वायर 52 और माइनस का कॉट स्क्वायर 52, और यहाँ पर आप जान ही रहे हैं क्या लिखा है 4/3। इस प्रकार से ये चीजें यहाँ पर सॉल्व हो गई। आइए अब गौर से देखिए कि ये क्या दिख रहा है हमें, ये तो 1 है, कॉस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 दैट इज 1, और ये तो कैंसिल हो गया आपका, कॉट स्क्वायर 54 माइनस कॉट स्क्वायर 50, और यहाँ से ये 4 कैंसिल हो गया, कुल मिला के कितना है 1/3, और 1/3 जब आया तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करने पर 4/3 इसका आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, हर एक क्वेश्चन में एक ही काम करना है, और वो काम है क्या बच्चों, वो काम है हमें ये आइडेंटिफाई करना कि कौन से दो एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है। आइए इस थर्ड क्वेश्चन की ओर भी मूव करें, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इन दोनों में, इन दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है, तो किसी एक को हम चेंज करेंगे, किसी एक को चेंज करते, तो हमने ऊपर वाले को चेंज किया, तो जो चेंज करेंगे 90 हो रहा तो किसी एक को चेंज, तो हमने ऊपर मतलब कॉट की जगह लिख दिया 90 माइनस 70 अपॉन में कॉसिक 70, और ये पूरा स्क्वायर स्क्वायर। अगेन यहाँ भी देखिए वही चीज़ है, तो हमने कॉट को चेंज किया तो कॉट 20 की जगह लिख देंगे 90 माइनस 70 अपॉन सेक 70, और ये हो गया स्क्वायर। फिर आगे हम देखें तो प्लस 2 10 15, ये 45 है, हमें इससे मतलब नहीं, 45 का मान तो 1 होता है, 75 और 15 इनका सम देखिए 90 है, तो 10 75 की जगह हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 15, 75 की जगह हमने क्या लिखा बच्चों 19 माइनस 15। फिर आगे हम इसे सॉल्व करें, कॉट 91 थीटा 10 थीटा 10 70 अपॉन कॉसिक 70, ये हमने स्क्वायर कर दिया, कॉट 91 थीटा सॉरी यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलत कर दिया बच्चों, इस जगह पर 10 रहेगा, अब हम यहाँ पर लिखेंगे 10 91 थीटा दैट इज कॉट थीटा, इसको क्लियर कर दें पहले, 10 91 थीटा दैट इज कॉट 70 अपॉन कॉसिक 70, और ये हो गया स्क्वायर, प्लस कॉट 91 थीटा दैट इज 10 70 अपॉन sec 70, और ये स्क्वायर, प्लस 2 इसमें से किसी एक को जो 10 15 1 का कोई मतलब नहीं, 10 90 थीटा दैट इज cot थीटा, cot 15 हो गया, ये वाला फॉर्मूला लगा बच्चे जो मैंने यहाँ पर लगाया। अब यहाँ पर हम देखेंगे cot और cosec, तो cot को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, cot को लिख सकते हैं cos अपॉन साइन, और ये क्या है cosec, ये हमने स्क्वायर करके लिख दिया। उसी तरह से यहाँ पर 10 की जगह क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, और ये हो गया sec 70, ये भी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 10 ये कट गया, ये कितना आया 2। साइन 70 और कॉसिक 70 के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका मान कितना आएगा बच्चों, इसका 1 आता है मान, कैसे आपको याद होगा साइन थीटा और कॉसिक थीटा गिव्स 1, तो यहाँ पर इसका मान 1 हो गया, केवल यहाँ पर मिलेगा कॉस स्क्वायर 70, और यहाँ पर ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर 70 और प्लस 2। अब गौर से देखिए इनको, ये तो फार्मूला है आपका आइडेंटिटीज का,
आइडेंटिटीज का तो बच्चों ये फार्मूला है, क्या है आइडेंटिटीज के फार्मूले में? आइडेंटिटीज का फार्मूला ये कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो ये वन हो गया प्लस टू दैट गिव्स थ्री। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने कैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को बताया और किस तरह से आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे। इस वीडियो का लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको पोस्ट कर दूंगा और इसके अलावा यूट्यूब पर भी आप आसानी से इसको देख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।